हाँ जी बच्चों, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके थे पॉलिनोमियल बहुपद। आज जो हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों में रैखिक समीकरण। अब सबसे फर्स्ट टर्म आती है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हमने एक पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल कैसा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, जिसकी अधिकतम घात कितनी है 1, उसे क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। अब ध्यान दो, यदि मैं एग्जांपल लिखूं x+5, तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। देखो यहां पे जो वेरिएबल है, चर राशि है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अगर मैं लिख दूं x³ + x+2, तो देखो इसमें लीनियर इक्वेशन जो x की पावर है वो 1 तो आई है, लेकिन इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी गई है 3, और x में या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 1 से ज्यादा हो जाती थी तो उसे मैं लीनियर नहीं बोलता था, 2 होती थी तो मैं बोलता था क्वाड्रेटिक द्विघात, और 3 होती थी तो मैं बोलता था क्यूबिक या त्रिघात। तो बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, क्यूबिक या त्रिघात का। तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात होती है 1, उसे हम बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ध्यान दो, अब सेकंड टर्म आ रही है टू वेरिएबल्स या दो चर। तो देखना मैं लिखता हूं x+2 y+2 y+9, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल है एक्स वाई और वाई, ठीक है, और इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 1 1। इट मींस सबके सब एग्जांपल हो गए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या एक चर में रैखिक समीकरण के एग्जांपल हो गए। अब बात कर रहे हैं हम तो दो चर की, तो दो चर क्या हो जाएगा, बेसिकली x+y+3 लिख दूं, x+y+9 लिख दूं। देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से, दोनों वेरिएबल हैं यहां पे, और दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 और 1, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन भी है, और दो वेरिएबल आ गए यहां पे एक्स और वाई, 3 और 9 तो क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए ये कैसा हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल, दो चरों में रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यदि टू वेरिएबल की बात करें तो देखना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax+by+c=0, ठीक है। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक पद। देखना एग्जांपल ले लू, मैं मान लू 2x+3y+5=0, 4x-3y=5। ध्यान दो, यदि मैं इसकी तुलना इससे करूं तो a कितना 2, b कितना 3, c कितना 5। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी उसमें क्या है ax+by+c=0, लेकिन जो आपने सेकंड एग्जांपल लिखा वो क्या लिखा, 4x-3y=5, इसका मतलब इसमें दायां पक्ष राइट हैंड साइड 0 नहीं है। तो ध्यान दो बच्चों, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 4x-3y -5=0, क्या किया, साइड चेंज कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। जब साइड चेंज पक्षांतरण करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, तो प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल था और ये भी इक्वेशन का एग्जांपल था। यहां तक क्लियर हुआ कि बेसिकली जो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है, ये सबको पता चल गया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम आ गई आपके पास, बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया और उससे हमें बनाना है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो भी होंगे, हमें दिए होंगे एग्जांपल्स, उनके हमें ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए, वक्र बनाने आने चाहिए, ठीक है, पहली बात। सेकेंड बात, उनको सोल्व करना आना चाहिए। मान लीजिए दो से ज्यादा हमें लीनियर इक्वेशन दे दी, उनको हमें सोल्व करना है, उनको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट में बेसिकली हमें क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे देगा कि
एक चॉकलेट की कीमत पुस्तक की कीमत से दोगुनी है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद उसे हम सोल्व करेंगे। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब पहला क्वेश्चन आज का क्या है, देखना आपकी स्क्रीन पे हम क्या करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनवा रहा है, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिए, उससे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या करना है, जनरेट करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यही बोला, देखो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है, ये बोला। अब ध्यान दो, यहां लिख लेते हैं हम, नोटबुक की कीमत, प्राइस ऑफ नोटबुक क्या दे रखी है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, यही तो दिया है बच्चों। देखना प्राइस या कॉस्ट बात एक ही होती है, तो देखो नोटबुक का अमाउंट हमें दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ पेन का अमाउंट, ये दिया हुआ है। अब क्या मुझे पता है कॉस्ट ऑफ पेन, नहीं पता। क्या मुझे पता है प्राइस ऑफ नोटबुक, नहीं पता। नहीं पता तो बस अब कैसे करूंगा, तो देखो मुझे मानना पड़ेगा ये, अगर मैं मान लेता इसे x और इसे y मान लेता तो क्या आता, y बराबर 2x, तो उसे हम क्या लिख देते, y माइनस 2x बराबर 0। क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना लिया, बस यही इस क्वेश्चन में करना था। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे देखना, सिंस या लेट सपोज, माना कलम की कीमत बराबर एक्स रुपए, क्या लिखेंगे, माना एक कलम की कीमत, माना एक कलम की कीमत, लेट प्राइस ऑफ वन पेन बराबर एक्स रुपीस, देयरफॉर नोटबुक की कीमत क्या आ जाएगी बच्चों, बराबर अगर ये एक्स मान लूंगा तो नोटबुक की कीमत, और मैंने मान लिया, माना एक नोटबुक की कीमत कितनी है, वाई रुपी। क्या किया मैंने, लेट प्राइस ऑफ वन पेन बी एक्स रुपी एंड प्राइस ऑफ वन नोटबुक बी वाई रुपी। तो हमें क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो मैं क्या बना लूंगा यहां से, वाई बराबर टू एक्स, और वाई बराबर टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई माइनस टू एक्स बराबर जीरो, हमने कर दिया। हमें यही तो कहा है इसने कि आप ये जो आपको दी हुई है कंडीशन, इससे आप बनाइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ध्यान दो यहां पे वेरिएबल क्या है, y और x, हाँ कि ना, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 और 1, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन भी होगी और दो वेरिएबल भी आ गए। बात क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। तो ये सिंपल सा एक प्रोफाइल है आपकी 4.1 सीबीएसई में दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या करवाता है, हमें करवाता है कि आप रिप्रेजेंट करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यदि कोई आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे फोर सॉल्यूशन पूछ रहा है, फोर सॉल्यूशन, चार हल, ठीक है। हमें तीन चार उसने इक्वेशन दी हुई है और उनके हमें पूछ रहा है चार हल, चार सॉल्यूशन। तो ध्यान दो बच्चों, जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें दिया होगा, आगे हम पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, अभी समझाता हूं आपको। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x plus y बराबर 7। ध्यान दो ये लीनियर इक्वेशन है सबसे पहले, क्योंकि x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। वेरिएबल क्या है, x और y दो वेरिएबल है, इसका मतलब एग्जांपल हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। या तो इसको ऐसे रहने दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x plus y minus 7 बराबर 0, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना जब भी हमें सॉल्यूशन निकालने हो, कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें दी हुई हो और हमें सॉल्यूशन निकालने, तो हम क्या करेंगे, हमारी इच्छा से वैल्यू रख देंगे एक्स की और वाई हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, चलिए तो देखना ध्यान दो। यदि मैं एक बार दिमाग लगाओ,
चलिए x बराबर 1 रख दू, y बराबर 5 रख दू, तो मेरे को 7 मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 7, 2 प्लस 5 बराबर 7, बिल्कुल मिलेगा। तो कुल मिला के हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमारे हिसाब से रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। ठीक है, यह सबसे बेटर तरीका। दो सॉल्यूशन आपको जब भी निकालने हो तो एक बार x की वैल्यू 0 रख दें, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक बार y की वैल्यू 0 रखें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, जब मैं x बराबर 0 रखता हूं तो क्या आता है, y बराबर 7। जब मैं y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर कितना आता है, 7/2। हाँ कि ना, चार सॉल्यूशन बताने। चलिए अब x बराबर 1 रख लेता हूं, जब x बराबर 1 रखता हूं तो देखना क्या आता है, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस y बराबर 7, 2 प्लस y बराबर 7, इट मींस y बराबर कितना आता है, 7-2, इट मींस y बराबर कितना आ जाता है, 5। हाँ कि ना, जब मैं y बराबर 1 रखता हूं तो क्या आता है देखना, 2x प्लस 1 बराबर 7, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। हाँ कि ना, देखो y की वैल्यू 1 रखी तो 2x प्लस 1 बराबर 7, तो 1 उधर जाएगा तो 2x बराबर 7-1 6, तो x बराबर 3। ठीक है, अब जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं x और y की वैल्यू लिखते हैं, क्यों, ध्यान दो, जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी तो आप आगे भी पढ़ेंगे कि जब भी लीनियर इक्वेशन होती है, 1 डिग्री की इक्वेशन होती है, वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है, किसी एक रेखा को निरूपित करती है, तो बेसिकली ये इनसे सबसे मैं लाइन बना दूंगा। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है अभी आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन आप इतना सा ध्यान रखिए। तो बेसिकली लाइन जब बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होते हैं, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली जब भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे तो हम क्या करेंगे, इन्हें कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे। तो देखना, 4 सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशंस आर, देखो जब x की वैल्यू 0 रखी तो y आया 7, तो 0,7। जब x 7/2 रखा तो y आया 0, या y बराबर 0 रखा तो x बराबर 7/2 मिला। तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट में पहले x एक्सिस वाला आता है, उसके बाद y एक्सिस वाला आता है, तो यहां पे आ जाएगा 7/2, 0। आगे क्या आ जाएगा, 1,5। यहां क्या आ जाएगा, 3,1। तो बेसिकली हमने चार सॉल्यूशन निकाल लिए, किसके, इसके। ध्यान दो, ये जो हमने चार सॉल्यूशन निकाले हैं, ये क्या है, पहले कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस की वैल्यू है, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है ये किसकी वैल्यू है, y y की। तो रख के देख लो, 2 इंटू 0 प्लस 7, 7 बराबर 7 हमेशा मैच करेगा। जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं, जब मैं इनकी वैल्यू इक्वेशन में रखूंगा तो वो हमेशा क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। रख के देख लेते हैं, मान लो थर्ड वाली रखनी है तो क्या करूंगा, 2 इंटू 1 प्लस 5, देखो 2 प्लस 5 7, हाँ कि ना, 7 बराबर 7, आया कि नहीं आया। तो हमेशा ये जो भी सॉल्यूशन हमारे आते हैं वो हमेशा दी गई इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यहां तक क्लियर है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, x बराबर 4y। ठीक है, अब या तो एक तरीका, सबसे पहले देखो क्या लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 1। क्या 2 वेरिएबल में है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए, x और y। ठीक है, अब ध्यान दो, यदि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y कितना मिलेगा, 0। हां कि ना, जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x भी मुझे कितना मिलेगा इस कंडीशन में, 0। हां कि ना, अब देखो जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना मिलेगा, 1/4। हां कि ना, देखो कैसे मिला ये भी बता देता हूं, 1 बराबर 4y, तो y बराबर कितना, 1/4। जब मैं y बराबर 1 रखूंगा तो देखना क्या मिलेगा, x बराबर 4 इंटू 1, इट मींस x बराबर 4। तो हमें क्या फाइंड आउट करने थे, 4 सॉल्यूशन, तो हमारे चार हल क्या क्या आ जाएंगे, या 4 सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे देखना, 0,0। अब देखो 0,0, 0,0,
दोनों एक ही हैं, कोइंसाइड हैं, समपाती हैं। इसका मतलब हमें पूछा है चार हल, तो हम ज्यादा बेटर है कि एक और वैल्यू निकाल लें। एक और वैल्यू कैसे निकालूंगा, मान लो x बराबर 2 रख देता हूं तो कितना आता देखना, 2 बराबर 4y, हाँ कि ना, तो y बराबर कितना आता, 2/4, इट मींस 1/2, हाँ कि ना। तो देखो 0, 0 यहां से क्या आ जाएगा, 1, 1/4, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 2, 1/2, यहां से क्या आ जाएगा, 4, 1, हाँ कि ना। चार सॉल्यूशन मुझे मिल गए। अब इन चार सॉल्यूशन में मैं कुछ भी वैल्यू जब यहां पे पुट करूंगा तो ये हमेशा इक्वेशन, दी गई समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई आप सबको कि हम क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, ये सीबीएसई वालों के एक्सरसाइज 4.2 में दिए हुए इस पैटर्न के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो देखो जब मैं x बराबर 0 रखता हूं तो क्या मिलता है, y बराबर 9। जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या मिलेगा, x बराबर पाई एक्स बराबर 9 हो जाएगा। देखना y 0 रखा तो पाई एक्स बराबर 9, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, 9/π, हां कि ना। देखो जब मैं x बराबर 1 रखता हूं तो क्या आता है, पाई प्लस वाई बराबर 9, तो यहां से वाई आ जाएगा 9-π। जब मैं वाई की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, पाई एक्स प्लस 1 बराबर 9, यहां से आ जाएगा पाई एक्स बराबर 8, और यहां से आ जाएगा एक्स बराबर 8/π। अब कई बच्चे हो सकते हैं ये सोच रहे हो कि सर 0, 1 और 0, 1 ही क्यों रख रहे हैं, तो आपकी मर्जी, जो आप वैल्यू रख सकते हैं, आप रखना चाहें तो x बराबर 10 रख सकते हैं, आप रखना चाहें तो y बराबर 5 रख सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा, -2, -3 कुछ भी रख सकते हैं, ये बात क्लियर है। चलिए हम कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इतनी छोटी छोटी वैल्यू रख रहे हैं, तो फोर सॉल्यूशन क्या क्या आ गए मेरे पास, 0, 9, ठीक है, 0, 9, उसके बाद क्या आया, 9/π, 0, उसके बाद क्या आया, 1, 9-π, उसके बाद क्या आया, 8/π, 1, ये आ गए मेरे पास वैल्यू। तो यही हमसे पूछा था चार सॉल्यूशन। अब आप करके देख लेना होमवर्क में, इनको जब एक एक की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आएगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये पूछ रहा है हमसे कि सत्यापित करिए, बताइए कि निम्न में से कौन कौन समीकरण, हमें समीकरण दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2y = 4, यह हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है और हमसे पूछ रहा है तीन सॉल्यूशन उसने दिए हैं। तीन सॉल्यूशन क्या क्या हैं वो देखना, 0, 2, 2, 0, 4, 0। हमसे क्या पूछ रहा है, आप चेक करके बताइए कि निम्न में से कौन कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन। तो ध्यान दो, अभी पुराने क्वेश्चन में जब हमने सॉल्यूशन निकाले तो मैं क्या बोल रहा था, ये सॉल्यूशन होंगे पक्की बात है, कब, ये हमेशा जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हाँ कि ना। तो जब भी जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो इक्वेशन को क्या करते हैं, हमेशा सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो बस अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन को संतुष्ट कर देगी तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो वैल्यूज हैं वो क्या है, इस समीकरण का हल है, ये बात क्लियर है। तो बस पहला जब मैं वैल्यू पुट करता हूं x बराबर 0 y बराबर 2 तो क्या आएगा देखना, 0 - 2 × 2 = 4, क्या आया, -4/4। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, क्या नहीं आया, LHS not equal to RHS, हाँ कि ना, यही तो होता है, LHS not equal to RHS आया। इसका मतलब 0, 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इस दी गई समीकरण का एक हल
नहीं है। यह बात क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं इसका। सेकंड वैल्यू हमें दी हुई है 2.0, तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर 0 हो गया। चलिए तरीका देख लीजिए कैसे करना है। प्रॉपर तरीका, पुट द वैल्यूज इन टू गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे? दिए गए मानों को समीकरण में रखने पर क्या मिलेगा हमें देखना। 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 माइनस 0 बराबर 2, हाँ कि ना? क्या 2 और 4 बराबर है? क्या नहीं है? हम क्या कर रहे हैं यहां पे, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। एक बार 2 आया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना था 4, तो क्या लिख देंगे, LHS not equals to RHS, बाया पक्ष नोट इक्वल टू दाया पक्ष। इसका मतलब 2.0 भी इस दी गई समीकरण का हल नहीं है। यह बात क्लियर है। चलिए इसी का थर्ड देखते हैं। सिंपल सिंपल लल्लू सा टॉपिक है एकदम, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चैप्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, एलएन की शीट के, आरडी शर्मा के, ठीक है? तो आप बने रहिएगा। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, हमें दी हुई है वैल्यू 4.0, तो x बराबर 4 हो गया, y बराबर 0 हो गया। पुट द गिवन वैल्यूज इन टू गिवन इक्वेशन, दिए गए मानों को दी गई समीकरण में रखने पर क्या मिलेगा देखना। अगर बायां पक्ष सोल्व करूं तो 4 माइनस 0 बराबर 4 बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए तो मैं क्या बोल दूंगा कि दिया गया मान इस समीकरण का क्या है, एक हल, हाँ कि ना? और आप ध्यान दो, हमने समीकरण के अभी हल पहले वाले क्वेश्चन में कैसे निकाले थे, इसके निकाल के देखता मैं। तो देखना क्या करता, अगर मैं x की वैल्यू 4 रखो 4, क्या आता, 4 माइनस 2 इंटू y बराबर 4, तो यहां से आ जाता, ये 4 को इधर लाते, इस 2y को उधर लेके जाते, हाँ कि ना? तो देखना 4 माइनस 4 बराबर 2 y, 0 बराबर 2 y, तो y बराबर कितना आता, 0 by 2, इट मींस 0। देखो x बराबर 4 रखा तो कितना मिलता, y बराबर 0, 4.0, हाँ कि ना? हम दोनों तरह से चेक कर चुके। तो आपको पता चल गया होगा कि जब हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है और हमसे पूछे कि आप चेक करके बताइए कि ये समीकरण का हल है या नहीं है, तो क्या करना है, सिंपल सा, हमें उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर देना है, रख देना है। यदि वो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए, तो हम बोल देंगे कि पक्की बात है कि वो जो वैल्यूज हैं वो उस इक्वेशन की सॉल्यूशन होंगी, उस समीकरण का हल होंगी। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का, हमें क्या बोल रहा है, हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करिए, के का मान ज्ञात करिए, यदि x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 2x + 3y = k। हमें क्या बोला है कि k की वैल्यू, k का मान ज्ञात करो यदि 2x + 3y = k समीकरण का एक हल क्या क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1। हमें बोला है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, जब भी सॉल्यूशन होंगे तो पक्की बात है कि ये इसको क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, हाँ कि ना? बस तो रखना है, आंसर आ जाएगा। देखना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। एक तरीका बताता हूं मैं आपको, दिया गया है x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = k। देयरफॉर दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 1 दी गई समीकरण के हल हैं, ठीक है? देयरफॉर अतः 2 × 2 + 3 × 1 = k। हम यही तो पता है कि अगर सॉल्यूशन है तो पक्की बात है उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने x की जगह 2 पुट कर दिया, y की जगह 1 पुट कर दिया, 2 × x की जगह 2 + 3 × y की जगह 1 = k। तो यहां से k आ जाएगा 4 + 3 = k, इट मींस 7 = k।
तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7, हाँ कि ना। तो सिंपल से क्वेश्चन थे आज के, और सिंपल सा ही एकदम पूरा प्रॉपर चैप्टर है। बस आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ाते जाऊं साथ के साथ हमें सीबीएसई या जो भी आप जिस भी बोर्ड में हैं उसके आपको एक्सरसाइज लगाते हुए चलना है। आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, पी के गर्ग, जो आप करना चाहें आपको करते रहना है। और अगर कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको एक दो घंटे के अंदर ही उस डाउट को सोल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे पॉलिनोमियल जो चैप्टर था उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उसके वीडियोस जाके देख लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपके साथ ऐसे ही हमारा कंटेंट और मजबूती से बनाते रहेंगे, बस आपका प्यार थोड़ा हमें चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।